नमस्कार दोस्तों, मैं किसी सावसर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल FS ज्ञान में। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको PLC से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं। आप सभी जानते हैं कि CG स्कूल पोर्टल के माध्यम से PLC का निर्माण करना है। ये PLC का निर्माण जो है विकासखंड स्तरीय भी होगा और संकुल स्तरीय भी होगा और जिला स्तरीय भी होगा। तो आपको अभी PLC बनाना है, लेकिन आपको मैं बता दूं, इस PLC में आप संकुल स्तरीय जब बनाएंगे तो उसमें संकुल के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को रखेंगे। तो इस प्रकार के PLC का निर्माण संकुल समन्वयक द्वारा भी किया जाना है। और यदि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की बात करें तो वहाँ पे शिक्षक जो है विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को अपने PLC में शामिल करेंगे और ये शिक्षक जो है अपने संबंधित विषय से इस प्रकार सभी शिक्षकों से मिलकर चर्चा करेंगे कि उस अध्यापन को कैसे सरल बनाया जा सके। तो इस PLC को आपको बनाना है और ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी शिक्षक मिलकर एक नवाचारी PLC ग्रुप भी बना सकते हैं। जी हाँ, तो इस प्रकार के PLC ग्रुप बनाने के लिए आपको यहाँ पर देखिए बाहर में 3 डॉट दिख रहा है, इसको आपको क्या करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, PLC बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर देखिए 3 लाइन दिख रहा है व्हाइट कलर में, इसको हमें क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए, जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा हुआ है PLC बनाए। जैसे हम PLC बनाए को क्लिक करते हैं, ये देखिए, तो इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ है संशोधन पर काम के कारण PLC की प्रविष्टि को रोक दिया गया है। इसका मतलब यह है PLC का काम अभी कुछ दिनों तक नहीं होगा, क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर में अपडेट चल रहा है और PLC निर्माण का काम अभी क्या है, कुछ दिनों के लिए बंद है। तो आप अभी PLC निर्माण नहीं कर सकते, कुछ दिनों के बाद आप PLC निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही आपकी सूचना, इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी पोर्टल ओपन हो जाएगा, PLC निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, तो आपको सूचना दे दिया जाएगा और आपके CG स्कूल पोर्टल में इसका ऑप्शन जो है खुल जाएगा, तब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, PLC का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि किसी प्रकार से भी किसी भी शिक्षक को कोई परेशानी ना हो और इस प्रकार के सूचना समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।